बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसाफ न्यूज़ एजेंसी से डॉक्टर मोहम्मद फारूक हाजिर खिदमत है। चौकी ग्रीन टाउन पुलिस की कारकर्दगी अरसे 5 साल से इंतहाई नाकस नज़र आ रही है। गुजरात शहर डकैतों के निशाने पर पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम, डाकू ताजरों को लूटने में कामयाब। रिपोर्ट शामिल करते हैं सैयद तारिक हुसैन शाह की। गुजरात चौकी ग्रीन टाउन पुलिस की कारकर्दगी अरसा 5 साल से इंतहाई नाकस नज़र आ रही है। गुजरात शहर डकैतों के निशाने पर पुलिस कंट्रोल करने में नाकाम, डाकू ताजरों को लूटने में कामयाब। गुजरात चौकी ग्रीन टाउन की बगल में डकैत रात को तकरीबन 10:45 बजे मेडिकल स्टोर पर डाका डालकर नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से FIR दर्ज कर ली और जदीद तरीके से डकैतों की तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी है। शहर के ताजरों में ग्रीन टाउन चौकी की बगल में कामयाब डाका पड़ने की वजह से सख्त तशवीश पाई जाती है। ताजर अपने आप को गैर महफूज समझने लगे हैं। जो डाका पुलिस चौकी के करीब या थाने के करीब हो वो ताजरों को सख्त परेशान कर देता है और ये पुलिस गश्त ना होने की निशानी है। और फिर चंद गज के फासले पर इस तरह गन पॉइंट पर डाका पड़ना, मेडिकल स्टोर मालकान और बड़ी शॉप्स के मालकान सख्त परेशान हो जाते हैं। इससे कुछ अरसा पहले रहमान बेकरी भी इसी तरह लुटी गई थी। फिर इससे पहले रहमान बेकरी के सामने गली में भी एक बैंक वाले को उसका सारा घर लूट लिया गया था। तकरीबन 50-60 लाख की डकैती हुई थी। अगर देखा जाए तो ग्रीन टाउन पुलिस अरसा दराज से ही इस इलाके को चोरों और डाकुओं से बचाने में नाकाम रही है। तस्नीम अफजल ने IG पंजाब पुलिस लाहौर से मुतालबा किया है या तो ये चौकी ख़त्म की जाए क्योंकि इस चौकी पर अक्सर नाकस और सिफारशी ASI और SI लगाए जाते हैं जिसकी वजह से ये इलाके हमेशा ही डाकुओं के कब्जे में रहता है। दूसरा, हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है। 1.5 लाख रुपये नकद और 2 अदद मोबाइल फ़ोन Vivo V21, दूसरा Oppo A76 मालिक 98,000 रुपये छीन लिए गए हैं। हमारी तकरीबन 2,50,000 का नुकसान हुआ है। या तो हमारी डकैती बरामद करवाई जाए या इस चौकी को, जो सिर्फ नाम की चौकी है, इसमें नेक इंचार्ज लगाया जाए। इससे पहले भी यहाँ जिसको चौकी दे दी जाती है वो ASI भी इस चौकी का मालिक बना रहता है। गुजरात के ताजर इस वक्त सख्त परेशान और अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। IG पंजाब और DPO गुजरात इस डकैती का फौरी नोटिस लें और हमारे मुजरम फौरन गिरफ्तार किए जाएं ताकि ताजरों से ये दहशत वाला माहौल ख़त्म हो सके।